हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल रेनू होम रेमेडीज में। दोस्तों, अगर आप अपने सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप कुदरती रूप से अपने बालों को काला कर पाएंगे। आज की वीडियो में मैं एक बिल्कुल नेचुरल तरीका बताऊंगी जिसके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने बालों को काला कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मार्केट के रेडीमेड प्रोडक्ट, हेयर डाई, हेयर कलर से आप अपने बालों को झट से काला कर सकते हैं, लेकिन इन रेडीमेड प्रोडक्ट में केमिकल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स, जिसके इस्तेमाल से हमारे बाकी के बचे हुए बाल भी डैमेज हो जाते हैं। बट आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बालों की, स्किन की, हेल्थ की नेचुरल तरीके से देखभाल कर पाएंगे। नेचुरल चीज़ें थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार इस्तेमाल करोगे और झट से ही आपकी हेल्थ रिलेटिव, स्किन रिलेटिव या बालों के रिलेटिव सभी परेशानियाँ एकदम से ख़त्म हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको पूरे पेशेंस के साथ इन नेचुरल चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस हेयर पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, पर अगर आप लोहे का बर्तन लेते हैं तो आपकी रेमेडी और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। इस हेयर पैक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब दही ली है। अगर आपके पास घर का बना हुआ दही है तो और भी ज़्यादा अच्छा। दही जितना ज़्यादा खट्टा होगा उतना ही हमारा हेयर पैक अच्छा बनेगा। इस हेयर पैक की हेल्प से आप अपने बाल काले काले कर पाएंगे, और अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं तो टूटना झड़ना भी बंद होगा। आपको बालों के रीग्रोथ होकर अपने बाल स्मूथ और सिल्की बनेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऐड करूँगी, 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच रीठा पाउडर और 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर। ये तीनों ही चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और अब मैं इन तीनों चीज़ों को आसानी से स्पून की हेल्प से अच्छे तरीके से मिला लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इनको तब तक मिलाना है जब तक कि ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से दही में मिल ना जाए। इस तरीके से आप चम्मच को हिलाते हुए इनको अच्छे तरीके से मिला लीजिए। ये तीनों ही चीज़ें आपके बालों की रीग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। शिकाकाई हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बनाती है। आंवला पाउडर और रीठा पाउडर हमारे बालों में एक चमक देते हैं जिसके इस्तेमाल से हमारे बालों की रीग्रोथ बढ़ती है। सो फ्रेंड्स, आपको इसको अच्छे तरीके से इसी तरीके से हिलाते हुए मिला लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हिलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपस में घुल मिल जाए। और इसको आपको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही ढक के रख देना है। और अगले ही को अपने बालों पर अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, पैक इस्तेमाल करते समय आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपके बालों में कोई भी हेयर ऑयल ना लगा हो। आपको अपने बिल्कुल साफ सुथरे बालों पे ही इस पैक को अप्लाई करना है। अगर आपके बालों में तेल लगा हुआ होगा तो ये आपके बालों में अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होगा और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, बालों पर ही अप्लाई करना है और इसको 2 से 3 घंटों के लिए आपको अप्लाई करके ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश करते समय फ्रेंड्स, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको किसी भी शैम्पू या साबुन से अपने हेयर को वॉश नहीं करना है। आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से ही अपने बालों को वॉश करना है। हाँ, अगले दिन आप किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप इसको अप्लाई करोगे उस दिन आपको शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।